इस न्यूज के प्रायोजक हैं वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरण मगरी सेक्टर 14। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। राजसमंद जिले के नादवारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 36 में पिछले 6 महीने से वार्डवासी पानी की किल्लत को लेकर परेशान हो रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि हमने इस बारे में नगर पालिका में कई बार शिकायत भी दी, लेकिन अब तक हमें पानी की किल्लत से राहत नहीं मिली है। वहीं वार्डवासियों का यह भी कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के द्वारा नाथद्वारा शहरवासियों के लिए 24 घंटे पानी की पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाथद्वारा में जगह जगह पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन 2 घंटे भी पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा, तो 24 घंटे वाली सर्विस कैसे हो पाएगी। वार्ड पार्षद का कहना है कि मैं विपक्ष का पार्षद हूं, इसलिए मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरे वार्ड वासियों को समय पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और अध्यक्ष को कहने के बाद भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो पाई है। आपका? मेरा नाम सुमित्रा टेलर है। क्या समस्या है? हमारे पानी की बहुत भारी समस्या है, पानी से सब जून से बिल्कुल पीने का पानी भी नहीं मिलता है। कितने दिन से ये समस्या आपको? 6 महीने हो गए। और एक तरह तो सीपी साहब बोलते हैं कि भाई 24 घंटे नल आएंगे, 24 घंटे छोड़ के 24 मिनट भी नल नहीं आ रहे, तो पानी भरे कहाँ से? बनगट है वो भी घाटियों पे, हम ऐसा ला नहीं सकते सब जने पानी। आपने इस मामले में कितना किसको अवगत कराया? राठी साहब को भी बताया, चेयरमैन साहब को, क्या कहा विभाग वालों को भी बताया। उन्होंने उनके द्वारा क्या कहा गया? जेंट्स लोग भी सारे जाके आए, उनके द्वारा तो यही है कि मोटर डूब गई हो गई। ये समस्या तो 3 दिन की हम भी समझ रहे, भाई आंधी तूफान आया, लेकिन 6 महीनों से हमें पानी नहीं मिल रहा है। ये समस्या का निदान होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रिक्ता श्रीमाली है। क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या है हमारे नल की, पानी नहीं आता है हमारे घर में, और एक दिन छोड़ के एक दिन नल देते हैं, वो भी पूरा नहीं देते हैं। मिनिमम आधा घंटा या 30 मिनट पानी देंगे, वो भी पूरा नहीं आता है, फोर्स से पानी आता ही नहीं है सर। और सबसे भारी समस्या है हमारे पानी की, पीने का पानी पूरा नहीं भराता है, नहाने धोने की बात तो अलग हो जाती है। सारी लेडीज इसीलिए आज यहाँ इकट्ठी हुई है और यही समस्या लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आए दिन हमारे पूरी कॉलोनी वासी जो है टैंकर मंगा मंगा के काम चला रहे हैं, तो ये समस्या कब तक हम इस तरीके से चलेंगे? और बिल जो है वो टाइम टू टाइम हमारे घर में आ रहा है, बिल एक भी समय ऐसा नहीं होता है कि बिल हमारे घर में टाइम से नहीं आ रहा है। जब हम बिल पे कर रहे हैं, हर सुविधाओं को भोग रहे हैं, तो फिर हमें ये पूरी सुविधाएं नहीं जानी चाहिए ना। कितना समय हो गया आपको पानी? 6 महीने से यही समस्या चल रही है। हर रेडी से आप पूछ सकते हैं। कौन सा वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 36 श्रीनाथ कॉलोनी ए, वन विभाग वाली कॉलोनी। और ये समस्या बहुत भारी है सर, सीपी साहब तो बोल रहे हैं निदान करना बहुत जरूरी है सर, प्लीज इसका निदान कराएं। क्या नाम है आपका? सर ईश्वरलाल मीणा, स्थानीय श्रीनाथ कॉलोनी पार्षद हूँ मैं। और विपक्ष, मुझे लगता है सर कि मैं विपक्ष का पार्षद हूँ, इसीलिए ये मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। एक तरफ सीपी साहब कहते हैं कि भाई 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी आपको, 24 घंटे भी नहीं मिल रही है पानी की सुविधा। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं आता है, कहीं पानी एकदम स्लो आता है तो कहीं फोर्स, जो हमारे स्नात कॉलोनी है वो घाटियों पर है, तो उससे भी बड़ी बड़ी घाटियाँ नादवारा में है, पर हमारे ही सबसे ज़्यादा समस्या है। और पानी कितना समय हो गया इस समय को समस्या को लेकर? करीब 6 महीने हो गए हैं समस्या। नहीं तो ये समस्या को लेकर आपने नगर पालिका में अवगत कराया क्या किसी को? मैंने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को भी इस बारे में अवगत कराया है, जलदाय विभाग के INJN को भी इस बारे में अवगत कराया है, वो भी बोल रहे हैं कि अभी और 2-3 दिन पानी नहीं आएगा, तो आप बताएं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। भाई पानी सबकी ज़रूरत होती है, सुबह उठते ही पानी चाहिए लोगों को, और अगर पानी ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? ठीक। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर। एडमिशन्स ओपन।